दोस्तों, चाहे मौसम गर्मी का हो या फिर हो बरसात का, पशुपालक के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह होती है उसके पशुओं के अंदर जूं, चीचड़, मक्खी, मच्छर आदि से परेशानी। क्योंकि जब ये सभी चीज़ें पशु के होंगी तो जो पशु की जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं आ पाती। क्योंकि जब जूं चीचड़ उसका खून पीते रहेंगे तो आपका पशु कैसे सही रहेगा, वह स्ट्रेस में रहेगा और स्ट्रेस में रहते हुए पशु आपको पूरा दूध नहीं दे सकता। जब हमारा पशुपालक इन चीज़ों से परेशान होता है तो कभी नीम, कभी एलोवेरा जिसको आप ग्वार पाठा बोलते हैं, कभी तुलसी और कभी जो कटेली होती है उसका तेल बना करके करना। क्योंकि कटेली जो है, कटेली के जो पत्ते होते हैं वह एलर्जी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो पशु के अंदर इचिंग यानी कि खुजली वगैरह होती है, दाद हो जाते हैं या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो उसमें कटेली के पत्तों का तेल काम में आता है। तो इन सभी चीज़ों को अपना करके पशुपालक परेशान हो जाता है। आज मैं आपको इन सभी चीज़ों से निजात दिलाने वाला हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट से। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको इन सभी चीज़ों का, चाहे वो नीम हो, तुलसी हो, एलोवेरा हो, ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, या कटेली हो, इन सभी चीज़ों का आपको कहीं से भी कोई इकट्ठा नहीं करना और इनका कोई नुस्खा नहीं अपनाना। मैं आपको जो आज परिचय दे रहा हूँ वह है ये साबुन, कीट क्लीन। अच्छे से देख लीजिए, इसका नाम है कीट क्लीन एंटी टिक सॉप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब साबुन है। इसके अंदर आपको नीम, एलोवेरा जिसको ग्वार पाठा बोलते हैं, तुलसी, इन सभी चीज़ों का इसके अंदर मिश्रण की। ये देखिए, यह बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई हुई आपकी ग्वार पाठा, नीम, तुलसी और कटेली के जो पत्ते हैं उनसे बनाई गई ये साबुन है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना तो आप एक काम किया कीजिए, हमारी जो ये मेहनत है ना इसका प्रोत्साहन हमें मिल जाएगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस इतनी सी मेरी मेरी जो है आपसे गुजारिश रहती है कि आप इसको जितना हो सके पशुपालक भाइयों में, उनके ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाए और पशुपालकों को भी इन चीज़ों की नॉलेज हो तो वो अपने पशुपालन को आगे बढ़ा सकें। पहले आप अपने पशु को पूरा गीला कर दीजिए, अच्छे से गीला कर दीजिए, है ना। आपका पशु जब पूरा गीला हो जाए तो दोस्तों, मैं भी देखिए ये कीट क्लीन ही यूज़ लेता हूँ, और आप कीट क्लीन जो साबुन है इसको काम में लीजिए। ये मैं यूज़ करता रहता हूँ इसलिए अभी थोड़ा बचा है। आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से पूरे बॉडी के ऊपर आप पशु के लगा दीजिए, इस साबुन को लगा दीजिए, अच्छे से पूरे शरीर पे लगा दीजिए, उसको रब कर दीजिए। और जब लगाने के बाद में 10 मिनट पशु को ऐसे ही छोड़ना है। 10 मिनट के बाद में फिर ये साबुन जो है आपको अपने पशु को नहलाना है, इस साबुन को छुड़ा देना है। अब आप देखिए, आपके पशु के आसपास मक्खी, मच्छर, जूं, चीचड़, कलीली, किल्ली या किसी भी प्रकार के जो जीवाणु हैं वो आपके पशु के आसपास नहीं बैठेंगे। साथ में ही जो स्किन के अंदर कोई भी डिजीज है, उसको एलर्जी है, उसको कोई खुजली है, दाद है, वह भी नहीं होगा, सिर्फ मात्र और मात्र इस एक केट क्लीन से। मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस है, देखिए अच्छे से देख लीजिए, 75 रुपीज़ है इसका जो प्राइस है, 75 रुपये का इसका प्राइस रखा गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये हमको कहाँ मिलेगा, यदि आपको आपके मेडिकल स्टोर पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर मेडिकल स्टोर पे ये नहीं मिलता है तो यह जो साबुन है ये आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है, वहाँ से आप किट क्लीन को ऑर्डर कर सकते हैं। आपका जो इसका प्राइस है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो 10 पीस हैं वह आपको मात्र और मात्र 600 रुपये के अंदर मिलेंगे। 10 पीस आप 600 रुपये में मंगवा सकते हैं अपने घर पे ऑनलाइन कुरियर द्वारा। और यदि आपको इसके 5 पीस लेने हैं तो 5 पीस आपको 350 रुपये में आपके घर के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इसका आप तक पहुंचाने का कुरियर चार्ज है वह आपको देना होगा, वह अलग से होता है, ये तो आपको भी मालूम है। तो ऑर्डर कीजिए जल्दी से जल्दी, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ से कीट क्लीन को ऑर्डर कीजिए और मंगवाइए अपने घर पे, और अपने पशुओं को मुक्त कीजिए मक्खी, मच्छर, कलीली और किलनी से। जल्दी से जल्दी मंगवाइए, इससे आपके पशु का दूध का उत्पादन
उत्पादन भी बढ़ेगा दोस्तों। दोस्तों हमारी कुछ वीडियो और हैं जिनकी प्लेलिस्ट ये साइड में दी गई है, आप इन प्लेलिस्ट को देख करके अपने पशुपालन में आप वृद्धि कर सकते हैं। कुछ नए व्यूवर्स हैं, कुछ उन्होंने यदि हमें अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कोई बात नहीं, ये हमारा जरा लोगो जो दिखाई दे रहा है डेयरी फार्मिंग का, इसके ऊपर टच कीजिए और यहाँ से भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कीजिए ना जल्दी से सब्सक्राइब। राम राम दोस्तों, नमस्कार।